हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज चौधरी और आज की हम बात करेंगे फिनोपेट्स बैंक के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी फिनोपेट्स बैंक के बीसी मर्चेंट हैं और आप भी फिनोपेट्स बैंक में अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं, तो कैसे आप घर बैठे पता करेंगे कि हमने महीने में कितना अकाउंट ओपनिंग किया है और कौन सा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और कौन सा अकाउंट पेंडिंग है। इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप फिनो बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर और आप बीसी मर्चेंट अकाउंट ओपनिंग करते हैं, यानी कि बीसी मर्चेंट आईडी क्रिएट करते हैं, तब भी आप घर बैठे कैसे पता करें कि हमने महीने में कितना बीसी मर्चेंट आईडी बनाया हुआ है और कौन सा हमारा बीसी पेंडिंग चला और कौन सा हमारा बीसी एक्टिवेट हो चुका है, ये भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना। फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जब भी वो फिनो पेंडिंग की बीसी मर्चेंट आईडी ले लेते हैं और अकाउंट ओपनिंग कर देते हैं और खाता खोलने उसका उनका कोई भी अकाउंट पेंडिंग में चला जाता है, तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि मेरा अकाउंट पेंडिंग में क्यों चला गया, कैसे इसको रिविजन क्लियर करना और कैसे पता करना, ये उनको नहीं पता। तो आज की इसी की जानकारी शेयर करने वाला हूँ। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे बीसी मर्चेंट हो, दोनों के लिए ये केस सेम रहेगा। यदि आप फिनो बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप मर्चेंट का रिविजन क्लियर कर सकते हैं, और यदि आप फिनो बैंक के बीसी मर्चेंट है तो अपने कस्टमर का रिविजन क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट आपको लाइव दिखाते हैं कैसे आप यहाँ पर रिविजन क्लियर करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपने फिनो मित्रा के एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम लॉगिन कर चुके हैं, और लॉगिन करने के बाद आपको आना है अपने डैशबोर्ड पे। जैसा कि आप देख पा रहे, इसका ये डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड पे आने का सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्विक लिंक। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्विक लिंक होता है। क्विक लिंक में कई सारे ऑप्शन होते हैं, एईपीएस अकाउंट स्टेटमेंट माइक्रोटिम, ऐसे कई सारे सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसको स्क्रॉल करना होता है। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको ब्रांच सर्विस का। ये आपको दोनों ही मिल जाएगा, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटर पर उसमें मिल जाता है और चाहे आपका मर्चेंट उसमें भी आपको मिल जाता है ब्रांच सर्विस का। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है कासा स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका जो भी स्टेटस है कासा का वो शो कर देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट दिखाई दे रहा है और नंबर ऑफ पेंडिंग और मंथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नवंबर मंथ में 4 अकाउंट क्रिएट हुए थे, जैसे कि यहाँ पर टोटल यानी कि एक्टिवेट है, कोई भी पेंडिंग नहीं है। और यहाँ पर दिसंबर में आप देख सकते हैं 37 अकाउंट ओपनिंग हुए हैं, जिसमें आपका एक पेंडिंग, यानी कि यहाँ पर जो लिख रहा है कासा डैशबोर्ड, यहाँ पर लिखा है डीडीए बीसी बीसी पूल अकाउंट, यानी कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवंबर मंथ में 4 यहाँ पर मर्चेंट बने थे जिसमें कोई भी पेंडिंग नहीं है, लेकिन दिसंबर में 37 मर्चेंट बने हुए जिसमें से एक मर्चेंट आपका पेंडिंग है। इसी तरह सेम आपका यहाँ पर क्या होता है, जहां पर कासा डैशबोर्ड लिखा है यहाँ पर आपका अकाउंट शो करता है, अकाउंट का नाम लिखता है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका मर्चेंट में भी होता है, सेम डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, इसी तरह शो करता है। तो अभी यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है कि एक आपका अकाउंट पेंडिंग है। अब कैसे पता करें कौन सा अकाउंट पेंडिंग है, इसके लिए चलेंगे हम बैक, ठीक है। और बैक आने को दोबारा से इस पर क्लिक करना है ब्रांच सर्विस पे, तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलता है रिवीजन ट्रैकर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ट्रैक करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक नाम आ चुका है जिसका मैंने कुछ यहाँ पर डेटा ब्लर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर नाम साफ साफ शो कर रहा है, ये एक ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पर बीसी मर्चेंट पेंडिंग में चल रहा है, तो यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर और सीआईएफ नंबर यानी कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर सारा चीज यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो आपने देख लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या समस्या है क्या नहीं है ये तो आपने पता कर लिया, मतलब कौन सा अकाउंट यहाँ पर रिविजन पता कर लिया, चाहे वो बीसी मर्चेंट हो चाहे वो आपका अकाउंट हो, पता कर लिया। पता करने के बाद आपको इसी पे अगर भी आपका यदि डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी तो आपको इस पे नाम पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा आपको डीएमएस रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर कस्टमर आईडी या अकाउंट नंबर फिलअप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो भी समस्या उसके अंदर होगी वो आपको शो कर देगा। ज्यादातर जो समस्या आती है वो आती है आपका फादर नेम मिसमैच या पैन कार्ड नॉट क्लियर या नॉमिनी ने मिसमैच या नॉमिनी का डेटा मिसमैच या नॉमिनी का रिलेशन मिसमैच, इन्हीं सारी समस्या आती है, ठीक है। तो यहाँ से फिलअप करके सर्च करेंगे, यानी चाहे मोबाइल नंबर चाहे कस्टमर चाहे अकाउंट नंबर, जब सर्च करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा, उसमें क्या समस्या आपके सामने शो कर देगा, उसको दोबारा से फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो ये आपको यहाँ से रिविजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 24 से 72 घंटे को वेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद वेट करेंगे तो आपका जो सक्सेसफुली यहाँ से मतलब कंप्लीट हो जाता है, दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम बैक,
ठीक है। और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी देखिएगा यहाँ पर नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है। यदि आपका बीसी मर्चेंट अकाउंट होगा तो इसी वाले कॉलम में एक ऑप्शन आता है री सबमिशन। जी हाँ दोस्तों, आप कभी अपने पोर्टल में जाकर चेक कीजिए, री सबमिशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर पुलिस लिस्ट में शो नहीं करा, तो री सबमिशन का ऑप्शन, आप री सबमिशन पे क्लिक करेंगे, मतलब इसमें क्या होता है कि जो ट्रैक रिविजन ट्रैकर पे क्लिक करेंगे तो वहां पर जो भी रिविजन सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आना होता है, बैक में आपको मिलता है ऑप्शन री सबमिशन, री सबमिशन पे क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार अभी दिखाया है जस्ट अभी, वही वाला ऑप्शन है, उसमें फिलअप करके आप सारा चीज फिल कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि रिवीजन कैसे फिल किया था इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मतलब बहुत ही पहले बनाया था, लेकिन यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा कि रिवीजन कैसे अपलोड करना है मोबाइल से। हालांकि मैंने पीसी से बताया तो मोबाइल से आपको लाइव दिखा दूंगा, आप देखकर अपलोड कर सकते हैं। बस यही छोटा सा एक समस्या आता है जो कि बहुत से लोग को नहीं पता था, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो उस अकाउंट में जो भी समस्या आती है वह यहाँ शो कर देता है। पहले इस तरह का फीचर नहीं था, ये फीचर अभी जल्दी में आ चुका है, जिससे आप मिनट में पता कर सकते हैं कौन सा अकाउंट आपका पेंडिंग है, कौन सा अकाउंट आपका एक्टिवेट है। बस फ्रेंड्स, आपको ये छोटा सा जानकारी शेयर करना था। यदि वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी लग सके। और दोस्तों, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमने एक नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है चौधरी एडवाइज, तो फ्रेंड्स उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा जिसमें आपको ऑनलाइन से संबंधित सारी जानकारी वहां पर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वहां भी नया नया कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।